हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, ये कार्डिगन कोटी के लिए जिगजैग वाला डिज़ाइन है। बहुत सुंदर डिज़ाइन बना है करोशिए से। आप इसको ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप मुझे बताएं कि आप डिज़ाइन कितना समझे हो। और मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मेरे करोशिया और सिलाई के ही डिज़ाइन होते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे डिज़ाइन देख सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने कार्डिगन कोटी, सॉक्स, कैप, हैंडबैग, एक डॉल, काफ़ी कुछ बनाया हुआ है क्रोशिए से। तो आप उनको देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है। तो ये देखिए, आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चैन बनानी है। तो ये देखिए, मैं चैन बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये देखिए, ये हमने चैन बनाई है। चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर तीन चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक दो तीन। ये देखिए, और इतना हमने इसमें धागा छोड़कर, आप देखिए यहाँ पर हमने एक बार ऐसे करके हाफ सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने तीन चैन छोड़नी है, एक दो तीन, इसके अंदर हमने इसको डालना है। देखिए, एक बार सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। लेकिन ये देखिए, आप पहले हमने ये एक निकालना है इसमें से, फिर हमने दो निकालने हैं, ये देखिए, और फिर हम तीन निकाल देंगे। ऐसे करके हमने इसके अंदर, आप देखिए, ऐसे करके निकाला एक बार, फिर ये दो निकाले, दो, फिर इनको दो। चार डबल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे। देखिए, धागा लिया, इसके अंदर डालेंगे। पहले हमने सिंगल निकालना है, फिर ये देखिए डबल बनाना है, फिर इसको हम ऐसे करके बना देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, आप यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया हमारा बन गया है। अब हम इसको धागे को ऐसे करेंगे, और यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाना है, इसके अंदर डाला और सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये देखिए, यहाँ पर हम चैन छोड़ेंगे, ये नीचे की तरफ हमने चैन छोड़नी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने पांच चैन छोड़नी है, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन हमने छोड़ी है। छह के अंदर, छठी चैन के अंदर हमने ऐसे डालना है, और सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाना है। उसके लिए हमने धागा लपेटा क्रोशिया के ऊपर, यहाँ डालेंगे। अब देखिएगा, एक बार ये वाला निकाला धागा, दूसरी बार दोनों निकालेंगे, और तीन बार में इसको भी हमने निकाल देना है। ये देखिए, फिर से हमने यहाँ पर धागा लपेटना है, इसके अंदर ही हम इसको डालेंगे। ये देखिए, एक बार इसको निकाला, दूसरी बार इसको निकाला, और तीसरी बार हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो बार हमने इसको बनाया है, एक चैन ये हो गई है, और एक चैन हमने और बनानी है। ये देखिए, ऐसे किया, इसके अंदर हम इसको डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं। फिर हम यहाँ पर इतना हमने धागा लेना है। देखिए, ये डिज़ाइन हम ऐसे हाफ में इसको बनाएंगे, और पांच चैन हमने यहाँ पर छोड़ देनी है। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर हमने इसको हाफ में डालना है। यहाँ पर हाफ में हम इसको डालेंगे, और यहाँ हमने तीन चैन बनानी है, एक दो तीन। ये देखिए, इसके अंदर हम इस तरह करके इसको डालेंगे क्रोशिए को। ये एक बार निकाला, फिर दो बार, फिर तीन बार। देखिए, धागा लपेटा, इसके अंदर निकालेंगे, ऐसे करके हमने इसको बनाना है। और चार हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो तो बने हैं, एक ये वाला है तीन, और एक हमने और बनाना है। देखिए, ऐसे करके हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए आप, यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इतना ही लेना है, इस धागे को हम इतना लेंगे, और यहाँ पर हमने हाफ सिंगल क्रोशिया डिज़ाइन बनाएंगे। इसके अंदर बनाया, पांच चैन हमने नीचे साइड में छोड़नी है। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए, यहाँ पर हम इसके अंदर इसको डालेंगे। देखिए, तीन चैन हम बनाएंगे, एक दो तीन, इसके अंदर हमने ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको लास्ट में इतना धागा लेना है, और इसके अंदर हाफ
डिज़ाइन हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया और लास्ट में हमने इसके अंदर, यहाँ देखिए आपने लास्ट वाली चैन के अंदर हमने इसको डालकर, और यहाँ पर हम सॉरी डबल करोशिया हमने यहाँ पर बनाना है। देखिए डबल करोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए इसको हमने यहाँ पर बनाया है। अब आप देखिए यहाँ हमने तीन चैन बनानी है, एक दो तीन, तीन चैन बनाई। इसके बाद हमने इतना धागा लिया और इसमें हाफ डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हाफ डिज़ाइन हमने बनाया आप देखिए, और इसको हमने यहाँ पर इस चैन के अंदर यहाँ पर हम इसको सिंगल करोशिया, ये देखिए सिंगल करोशिया बनाया। अब हम चैन बनाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, हमने इसके अंदर ये देखिए यहाँ किनारे में डालना है इसको, हम यहाँ पर इसको डालेंगे। देखिए तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा ऐसे लपेटेंगे और यहाँ पर हमने इसमें देखिए एक बार ये निकाला, फिर दूसरी बार में दो और तीसरी बार में भी दो ही हम बनाएंगे। ये देखिए धागा लिया, इसके अंदर डालेंगे और ये वाला एक फंदा हमने निकालना है, दूसरी बार में हम दो निकालेंगे और तीसरी बार में भी हमने दो ही निकालने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तीन हमारे बन गए हैं, तीन ब्लॉक हमने बनाए हैं, एक ब्लॉक हमने और बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक बार इसको, पहली बार में हम इसको ही निकालेंगे, फिर दो निकालें, फिर ये। अब हमने यहाँ पर धागा इतना लेना है और इसको हाफ डिज़ाइन करना है। देखिए इसके बाद हमने जहाँ पर ये डिज़ाइन हमने बनाया है आप देखिए इसके ऊपर हमने इस डिज़ाइन को डालना है। यहाँ देखिए सिंगल करोशिया हम बनाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे इसके अंदर हमने इसको डाला है और एक एक करके हम इसको निकालेंगे। पहले एक निकाला, फिर दो, फिर तीन, फिर देखिए धागा लपेटा, इसके अंदर डालेंगे। देखिए एक बार इसको निकाला, दो बार और तीन बार, देखिए दो हो गया है और एक डिज़ाइन हमने इसमें अभी और बनाना है। ये देखिए अब हमने हाफ डिज़ाइन इसके अंदर बनाना है, तो ये हम इसको इतना ले जाएंगे धागे को और यहाँ पर हमने ऐसे करके इसको बना लिया। अब आप देखिएगा यहाँ पर जहाँ से ये डिज़ाइन हमारा जुड़ा हुआ है इसके ऊपर ही हमने ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ लास्ट में हमने इसके अंदर हाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमने यहाँ पर चार चैन बनानी है, एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे और हाफ हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये धागा हम इतना करेंगे, ये देखिए इसके अंदर डाला, इसको हमने बना लिया है। अब आप देखेंगे कि हमने ये डिज़ाइन किधर बनाना है, तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये चैन हमने यहाँ से चलाई है, तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। देखिए इसके अंदर हमने इसको डालना है और हाफ हम यहाँ पर बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लपेटा और इसी के अंदर हमने चार बार इसको हम बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हमने इसको निकालना है। देखिए तीन हो गया हमारा और एक ही बनाएंगे हम, चार, चार बार इसको बनाएंगे। हाफ धागा लेंगे यहाँ पर और ये देखिए इसको हमने इतना बना लिया है। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने ये चैन बनाई है इसके अंदर ही हम इसको डालेंगे और सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए तीन चैन हमने बनानी है, एक दो तीन यहाँ पर। ये देखिए डिज़ाइन में आपने इसी चीज़ का ध्यान करना है कि जहाँ से हमने चैन बनाई है उस साइड ही हमने डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए यहाँ पर भी हम आप देख सकते हो चैन इस साइड हमने नहीं बनाई है, यहाँ पर हमने चैन बनाई, तो दूसरा डिज़ाइन यहीं पर हमने बनाना है। देखिए ऐसे ही करके हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए इसको मैं बना लेती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए आप लास्ट में देख सकते हो इसके ऊपर से हमने ये डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर जहाँ हमने इसको शुरू किया था ये चैन हमने यहीं पर जोड़नी है। देखिए चार चैन हम यहाँ पर बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चैन हमने बनाई हैं। फिर हमने यहाँ पर हाफ डिज़ाइन बनाना है, तो हाफ डिज़ाइन बनाने के लिए हमने धागा लिया अब देखिए, और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हमने इसको यहीं पर
इसी साइड हमने इसको डालना है। ये देखिए शुरू और आखिर में आपने ये डिजाइन यहाँ पर छोटा लेना है, धागा हम यहाँ पर छोटा लेंगे नहीं तो हमारा डिजाइन ऐसे फैल जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर छोटा डिजाइन बनाना है। तो आप यहाँ शुरू में भी और लास्ट में भी आपने इस चीज़ का ध्यान करना है। ये देखिए ये डिजाइन बनकर तैयार है, बहुत सुंदर डिजाइन है ये जिगजैग वाला। आप इसको कोटी कार्डिगन में बनाएं तो बहुत ही अच्छा ये लगेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कल फिर मिलते हैं नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।